بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. सूरह आले इमरान आयत नंबर 92-97 इंशाल्लाह देखेंगे. और अल्लाह के हुक्म से हमारा जो यहाँ से चौथा सिपारा भी शुरू हो रहा है. नहमदुहु व नुसल्लि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद. फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रबिश रोहली सदरी वयसरली अमरी वहलुल उकदतम मिलिसानी यफकहु कौली. रबी यसर वला तुअसर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह. रबी ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्म फक्किहना फिद्दीन. आमीन या रब्बल आलमीन. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. हरगिज़ नहीं तुम पहुँच सकते नेकी के आला मियार पर यहाँ तक कि तुम खर्च करो दूसरों की ज़रूरत में उसमें से जो तुम्हें पसंद है. और जो तुम खर्च करोगे कोई भी चीज़ तो बेशक अल्लाह उसे जानता है. आयत नंबर 93. कुल الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين. तमाम खाने थे हलाल बनी इसराइल के लिए मगर वो भी जो खुद रोक लगा ली थी इसराइल अलैहिस्सलाम ने अपने आप पर इससे पहले के नाजिल की जाती तौरात. ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए ले आओ तुम तौरात को और तिलावत करो उसकी अगर तुम सच्चे हो. आयत नंबर 94. फमन इफ्तरा अल्लाहि अल-कज़िब मिन बाद ज़ालिक फऊलाइक हुमुज़्ज़ालिमून. फिर जो बांधे अल्लाह पर झूठ इसके बावजूद यानी ये जानने के बावजूद तो यही लोग वही जालिम गुनहगार हैं. आयत नंबर 95. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. आप फरमा दे सच फरमाया अल्लाह सुबहान तआला ने फिर इत्तिबा करो मिल्लत इब्राहिम की यकसू होकर. और ना थे वो मुशरिकों में से शिर्क करने वालों में से नहीं थे. आयत नंबर 96. बेशक पहला घर जो मुकर्रर किया गया इंसानों के लिए
इबादत का मरकज़, अलबत्ता वही है जो मक्का में है, इंतहाई मुबारक और हिदायत का मरकज़ तमाम जहान वालों के लिए। आयत नंबर 97। फ़ीही आयतुम बैनातुम मक़ाम इब्राहीम وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ। उसमें निशानियां हैं वाज़े मकाम इब्राहिम की तरह, और जो दाखिल हो उसमें पाएगा अमन को, और अल्लाह का हक निकलता है इंसानों पर कि हज करे उसके घर का जो इस्तेआत रखता हो उसी की तरफ रास्ते की, और जो नाफरमानी करे उसके हुक्म की, तो बेशक अल्लाह सुबहान ताला बेनियाज है तमाम जहान वालों से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتقدم بالخير نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين امين يا رب العالمين। चौथा सिपारा अल्लाह के हुक्म से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। चौथा सिपारे का जो थीम है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हमें इसमें भी है जो इसमें भी बहुत ज़्यादा अल्लाह के हुक्म से जो है अमल की इंशाल्लाह बहुत कुछ जो है वो हाँ वो मैंने खुद किया था, बहुत कुछ जो है वो अल्लाह के हुक्म नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा अमल की बातें। शुरुआत जो है बिल्कुल ऐसी है जो आयतें, तो ये जो है यानी कि अहले मक्का बहुत ज़्यादा एतराज़ करते थे कुछ बातों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को लेकर, उनकी आमाल को लेकर, इस तरीके से। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जवाब दिया है कैसे शुरुआत है। और देखिए कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि सिपारे का जो पहली जो आयत होती है और जो लास्ट की आयतें होती है वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट। तो इंशाल्लाह जो है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ नहीं तुम पहुंच सकते नेकी के आला मियार को। यानी हमने सूरह बकरा में जो है वो नेकी क्या है वो देखे अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 177 में कि नेकिया नॉर्मल की क्या है क्या नहीं है, लेकिन अल्लाह की नज़र में नेकी क्या है वो। और यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है कि नेकी के मियार को अगर पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि जो चीज़ें तुम्हें पसंद है वो अल्लाह के रास्ते में तुम्हें जो है वो खर्च करना पड़ेगा। हरगिज़ नहीं तुम नेकी के मियार को पहुंच सकते यहाँ तक कि तुम खर्च करो दूसरों की ज़रूरतों में, क्या खर्च करो उसमें से जो तुम्हें पसंद है। बहुत खूबसूरत बात है यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अक्सर जो है खर्च की बात आती है तो लोग क्या समझते हैं सिर्फ पैसे और माल की बात आ रही, नहीं बात सिर्फ पैसे और माल की नहीं है। हर वो चीज़ जो अल्लाह ने आपको नवाजा है वो तमाम चीज़ें जो है वो युनफिकून में तमाम चीज़ें चली जाती है, चाहे वो आपका आपकी सेहत हो, आपका टैलेंट हो, आपका इल्म हो, या फिर जो चीज़ें आपके पास है वो तमाम। लेकिन इंसानों का हाल बिल्कुल इससे उलट है कि नहीं है। लोगों को वो चीज़ देते जो आपको पसंद नहीं होती है, हम लोगों को वो चीज़ देते जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती है बिल्कुल, यानी एकदम गैर ज़रूरी चीज़ें जो अगला बंदा उसको इस्तेमाल भी ना कर सके, ये हाल है। लेकिन सोचते सवाब समझ कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे नहीं तुम नेकी को पहुँच ही नहीं सकते हो बिल्कुल भी नहीं। और सूरह बकरा में हमने ये भी देखा कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि तुम जो है मेरे रास्ते में ऐसी चीज़ें देते हो कि तुम्हें अगर कोई दे तो तुम आँख मूंद लोगे, तुम लेना पसंद नहीं करोगे उसको।
तो क्या पता चला कि अल्लाह के रास्ते में वही चीज़ें काबिल कबूल है, वही चीज़ें अल्लाह ताला कबूल करते हैं जो आपको पसंद है। और अच्छी चीज़ें दीजिए अल्लाह के रास्ते में, अच्छा इल्म लोगों को सिखाइए, अच्छा आपके अंदर जो अच्छे जो भी टैलेंट है वो लोगों तक पहुँचाइए, अच्छा इल्म पहुँचाइए। और यहाँ तक के देखिए बात यहाँ पे कुर्बानी की हो रही है कि अल्लाह के रास्ते में जब तक आप किसी चीज़ की कुर्बानी नहीं देंगी आप नेकी को नहीं पहुँच सकती। इस वक्त चलिए इस वक्त मैं आपसे अगर एक सवाल करूं कि सबसे कीमती चीज़ क्या होती है इंसान के पास, अनम्यूट करके आप जवाब दे सकती हैं, सबसे कीमती चीज़ क्या होती है इंसान की, कौन जवाब देगा? अपना वक्त। जज़ाकअल्लाह खैर। किसने कहा? शाहिन ने जी। और वक्त सबसे कीमती चीज़ है, ये अगर आपने किसी को दे दिया ना तो यकीन करिए कि इससे कीमती चीज़ आप किसी को नहीं दे सकते, वक्त। और आज इंसान यही चीज़ अल्लाह के रास्ते में नहीं देता है, बाकी कितनी चीज़ें देकर जान छुड़ा लेता है। तो वो आपको सबसे कीमती चीज़ जो है वो वक्त है, जो इस वक्त आप अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ईमानदारी से दे रहे हैं या बेईमानी से दे रहे हैं। ईमानदारी से ये है कि ये वक्त आपको जब कहा गया है कि ये वक्त जो है आपका, आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलाम को सीखना है और दूसरा कुछ काम नहीं करना है। फिर ये देखिए कि आप में से जो लोग हैं कुछ और काम कर रहे हैं तो समझ आ जाएगी आप ईमानदारी से नहीं अल्लाह के वक्त को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये वक्त आप अल्लाह को नहीं दे रहे हैं, इसमें भी आप खयानत कर रही हैं, तो आप नेकी तक कभी नहीं पहुँच सकती है बिल्कुल भी। यानी ये वक्त इतना जो है वक्त, क्योंकि ये जो वक्त आपके हाथ से चला जाएगा तो दोबारा आप सोचोगे अरे आज के दिन जो 8 से 8:30 का टाइम चला गया शाम का, अल्लाह ताला वापस दे दे क्योंकि मैंने ईमानदारी से जो है वो पढ़ाई नहीं करी। कभी आएगा वो वक्त? कभी नहीं आएगा, लाइफ में कभी पलट के नहीं आएगा। तो आज जो है वो यकीन करिए कि सबसे कीमती चीज़ है। और अल्लाह को आज इंसानों से अपने रास्ते के लिए वक्त चाहिए, जो बहुत कम लोग जो है वो अल्लाह के रास्ते में वक्त दे पाते हैं। मज़ीद ये बताया गया कि देखो वह मतून पेको मिन शईन, और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे कोई भी चीज़, देखिए बात पैसे की नहीं है, क्लियर हो गया आपको? कुछ भी मिन शईन आया है, कुछ भी आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो इन अल्लाह भी आलिम, बेशक अल्लाह ताला उसको जानता है। आपने 8 से 8:30 का वक्त अभी अल्लाह को दिया, आप किसी के सामने इसका प्रोपोगंडा करें या ना करें, आप किसी को मैसेज करके कॉल करके बताएं या ना बताएं, अल्लाह को पता है ना। नेकी का कोई भी काम छुपता नहीं अल्लाह से। आप सोचती है अरे क्या पता, मतलब 4 लोगों को पता नहीं चला मैंने नेकी का काम करी, फायदा क्या मेरा करके? नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या फायदा है? तो अल्लाह ताला बोले मैं जानता हूँ ना, बेशक अल्लाह ताला वो जानते हैं। तो हमें किसी को क्या जरूरत है बताने की कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ तुम्हें, और जानबूझकर आप लोगों को कॉल करके बताइए मैसेज करके कि देखो भाई 8 से 8:30 मुझे कॉल नहीं करने का, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तुम्हें पता है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। तो नेकी के काम को देखिए कि वो मुहावरा शायद आज तक मुझे तो खैर नहीं समझ आया था अभी कि नेकी का दरिया में डाल तो क्या है ये कि नेकियां करके भूल जाइए। जिस तरीके से दरिया में डाली हुई चीज़ कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाती है कि आप उसको तलाश कर सके, इसी तरीके से नेकी कर दरिया में डाल के नेकी करके आप चीज़ों को भूल जाइए। फिर याद क्या रखें? गुनाहों को याद रखें। क्यों? क्योंकि जब बंदा गुनाहों को याद रखता है तो वो और तौबा इस्तग़फ़ार की उसको तौफीक होती है और वो अल्लाह के और करीब हो जाता है। और अगर वो नेकियों को याद रखता है तो उसके अंदर तकब्बुर, अना और अपने आप में एक बड़ाई आ जाती है, मैं तो ये करती हूँ मैं तो वो करती हूँ। तो ये नहीं सोचना चाहिए, नेकियां कर करके भूल जाइए। आप भूल जाएंगे लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि भी अलीम, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम जो कुछ भी करते हो मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर अगली कुछ आयतों में जो एतराज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अहले मक्का करते थे कि वो क्या कहते थे कि अच्छा तुम दीन इब्राहिम को फॉलो करते हो, दीन इब्राहिम को फॉलो करते हो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से तो बनी इसराइल आई थी, अब तुम ये कहते हो कि बनी इसराइल जो है तुम उनको फॉलो कर रहे हो अगर तो वो तो जो है बैतुल मक़दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। दूसरी चीज़ ये कि तुम ये कहते हो कि तुम तो ऊँट का गोश्त खाते हो, ऊँट का दूध पीते हो,
तो ये तो बनी इसराइल पे हराम था, उन्होंने तो कभी नहीं इसको पिया और खाया। तो तुम जब बनी इसराइल को फॉलो करते हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो कर रहे हो, तो पूरी तरीके से करो ना। तो अल्लाह सुभान व तआला ने कम्प्लीटली जवाब दे दिया उनकी दोनों बातों का। नंबर वन, कुल्लु तुआमी काना हिलल लि बनी इसराइल, तमाम खाने हलाल थे बनी इसराइल के लिए, फिर हराम कहाँ से शुरू हुआ? इल्ला मा हर्रमा इसराइलु अला नफ्सिही, सिवाय या मगर जो हराम कर लिया था खुद से इसराइल ने। यहाँ पे इसराइल किसको कहा जा रहा है? याकूब अलैहिस्सलाम को, या अल्लाह ने टाइटल दिया था इसराइल का, इसलिए उनके बाद की जो नस्लें आई उनको बनी इसराइल कहा जाता है। यानी उनके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम से आगे जो नस्लें आई, आते 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 फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, देन उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनको लक़ब दिया गया था इसराइल का। अब यहाँ पर अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने खुद से हराम किया था, और क्या हराम किया था? ऊंट और उसका दूध। एक अपनी दो वजूहात हो सकती थी कि चीज़ ये कि ऊपर की जो आयत है लन तनालु बिर हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, इसके बेस पे भी हो सकता था, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद था तो उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के खुशरुदू के लिए उसको छोड़ दिया था। अब ये आयतें आपको पता है कि मुझे नहीं पता कि इस वक्त आप जो है ये जो आयतें उतरी, आयत नंबर 92 ऑफ सूरतुल आल इमरान, तो आपने क्या फील किया क्या नहीं फील किया मुझे नहीं पता, लेकिन यकीन करिए कि जिस दिन आपको यह आयत समझ आ जाएगी ना, आपको बहुत ज़्यादा एहसास होगा क्या चीज़ है। तो मैं एक छोटा सा आपको जो है एक मियार देती हूँ कि अपने आप को जज करिए, अपने आप का टेस्ट लीजिए। हर वो चीज़ आप छोड़ दीजिए जो आपके और अल्लाह के दीन के काम में रुकावट बनती है। वो बहुत सिंपल सा रूल बना के रखिए अपनी ज़िंदगी का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी यही बनाया, अल्लाह ने हर वो चीज़ छुड़वा दिया जो मेरे और अल्लाह की किताब के दरमियान आती थी, हर वो चीज़। फिर ये आयतें देखिए कि एक दफ़ा में नहीं समझ आती है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि एक दफ़ा में ये आयतें आपको समझाने की कोशिश करूँ, और अल्लाह से मदद मांग के अल्लाह से दुआ करके कि अभी जब आई थिंक सो कि 4-5 साल पहले ये आयत जब मुझे समझ आई थी, तो मैं इसे लेसन कर रही थी, जैसे आप लोगों को भी पढ़ाना है तो थोड़ा बहुत स्टडी खैर मुझे करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का एहसान है, जितना भी कुरान याद है पूरा तो एकदम कम्प्लीटली नहीं, किसी किसी आयत पर जो है वो थोड़ी स्टडी मुझे करनी पड़ती है। लेकिन उन दिनों जब मैं बहुत एकदम मैंने शुरू ही किया था, आई थिंक बिल्कुल एकदम डिपेंड होके पढ़ाना शुरू किया था, किसी का सपोर्ट नहीं, बड़ी टीचर का नहीं, कुछ नहीं, तो आज जब मुझे समझ में आई थी तो मैं बहुत रोई थी, इतना रोई थी कि अल्लाह क्या दूँ मैं तेरे रास्ते में, क्या है मेरे पास ना मैं दूँ तेरे रास्ते में, मुझे नहीं पता मेरे पास क्या है जो मैं तुझे दूँ जो तुझे पसंद आ जाएगा। इतना रोना आया मुझे, यकीन करिए जब जब ये आयतें मुझे याद आती है मुझे बहुत रोना आता है कि अल्लाह मैं क्या दूँ। फिर बहुत ऐसा लगा कि उस वक्त ऐसा लगता था कि नहीं सिर्फ माल और दौलत ही यही चीज़ें नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वक्त को चूज़ किया कि अल्लाह मैं तेरे रास्ते में अपना वक्त दूँगी, बिल्कुल नहीं, आज से मेरा सारा वक्त तेरे लिए, सिवाय जो जिम्मेदारियाँ तूने मुझे दी है उसको निभाने के कारण अल्लाह का शुक्र है कि उसे तौफीक दे, ऐसा है उसका। उसके अलावा थोड़ा ऐसा भी टटोला मैंने अपने कब्र को टटोला, क्या करूँ क्या करूँ, क्या चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, सिवाय मेरे शादी के जोड़े के मुझे कुछ नहीं मिला अपने कब्र में जो मुझे पसंद था, और मैंने उसको सदका कर दिया अल्लाह के रास्ते में, एहसान है अल्लाह का। और कि ये चीज़ें क्या होता है पता है कि इन चीज़ों की मोहब्बत जब हम दिल में बिठा कर रखते हैं ना तो कहीं की नहीं रहते, कुछ नहीं कर पाते। और ये देखिए कि ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना। सहाबा ने जब ये आयत सुनी तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने एक फीमेल मतलब ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, एक लौंडी को आज़ाद कर दिया। इसी तरीके से जो है वो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के तो वाक़ अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि उनके 600 खजूरों के बाग की चाबी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौरन जो दे दी, फ़ौरन दे दी कि ये मेरे बागात हैं। अबू क़तादा का इसी तरीके से बहुत रिवायतों में मिलता है। तो ये देखिए कि आयतों को पढ़ के यूँ ही गुजर मत जाइए,
फिर अमल की बात कैसे लेंगे हम? अगर अल्लाह के कलाम के जरिए हमारा नफ्स अगर तस्किया नहीं हुआ तो फिर किसी और चीज़ से कभी नहीं हो सकता। हर उस चीज़ को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दीजिए, हर उस चीज़ को अल्लाह के राह में दे दीजिए जो आपके और अल्लाह के दीन के काम में जो रुकावट बन रही है। अब आप खुद गौर फिक्र करिए क्या है वो चीज़, छोड़ दीजिए उन चीज़ों को और फिर अपने आप को जो है अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करिए इंशाल्लाह। देखिए हर आयत जो है वो कुछ ना कुछ मैसेज दे के जाती है। मुझे समझती है कि एक भी आयत कुरान की जो है वो जो ऐसी है जो आपको मैसेज नहीं देती है, इम्पॉसिबल। कोई ना कोई आयत ज़रूर हमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देकर जाती है इंशाल्लाह। फिर जो है बनी इसराइल की बात चल रही है तो अल्लाह ताला ने पहली बात का उन्हें जवाब दे दिया। अच्छा अब ये यहूदी नसारा ये एतराज़ात करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं मिन कबल अं तुनज़्ज़ल तौरात, अरे तौरात नाजिल होती इससे पहले की बात है। याकूब अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले आए थे ना, तौरात तो जब भी नाजिल भी नहीं थी। अच्छा ठीक है, तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो ना कि बनी इसराइल ने अपने ऊपर जो है कुछ चीज़ें हराम कर ली थी तो ठीक है, कुल्फा अतुबी तौराती फतलू है इनको तो सौदे, तो ठीक है ना, जाओ तौरात लेकर आओ, लेकर आओ मेरे सामने तौरात और उसको पढ़ो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। क्या पता चला, अगर कोई आपके सामने कोई ये नाम ऐसा नाम लेता है कि अल्लाह की किताब में ऐसी चीज़ें हैं, कोई आपके सामने दावा करता है इस चीज़ का कि कुरान में ऐसा लिखा है, हदीस में ऐसा है, तो देखिए यही अंदाज अपनाइए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनाने को कहा। दलील के बेस से बात करिए। दीन के मामले में देखिए बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है हमें। अगर आप दीन के मामले में दलील नहीं मांगेंगे तो सब जो है रद्द हो जाएंगे आमाल हमारे, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे अल्लाह ताला तो कैसे फिर हम किस बेस पे फिर हम जो है नेक अमाल करें। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात अगर इन ये अगर दावा कर रहे हैं तो इनको बोलो तौरात लेकर आओ अगर तुम दावे में सच्चे हो। उसके बाद देखिए अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे हैं क्या, फमनिफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, फिर बताओ जरा कि जो बांधे अल्लाह पर झूठ, इसके बाद यानी इतनी दलीलें देने के बाद भी अगर अल्लाह पर कोई झूठ बांधता है फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, तो यही लोग गुनहगार और ज़ालिम हैं। क्या पता चला, अगर कोई आपको दीन का नाम लेके कुछ काम करवाता है और आपको वो दलील ना दे सके तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं उसने मुझ पर झूठ बांधा। बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। दीन की कोई बातें अगर आपको पता है तो उसको स्प्रेड करिए, नहीं पता है तो खामोश रहिए। देखिए झूठ बोलकर या गलत बात फिर फैलाकर हम अल्लाह के लानत में या अल्लाह के गज़ब में क्यों आए, उसकी बनिस्बत ऐसा ये बेहतर है ना कि हम खामोशी इख्तियार करें। मजीद ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो कुल सौदक अल्लाह, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला तो सच फरमाते हैं, अल्लाह ने सच फरमाया है, अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जो फरमाया है सच फरमाया है, तो क्या करे फिर इंसान। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, करने का काम क्या है, आपको इसको उसको फॉलो नहीं करना है। क्योंकि सवाल उठता है ना भाई, अब इसको फॉलो ना करे, उसको फॉलो ना करे, इसकी दीन की बात ना सुने, उसकी दीन सुने, तो करे तो क्या करे। वेरी सिंपल, अल्लाह ताला ने कहीं पर भी आधी अधूरी बात नहीं की है। अल्लाह ने फरमाया कि इत्तिबा करो मिल्लत इब्राहिम की जो हनीफ थे। हनीफ इज वेरी फोकस्ड, वो इतने फोकस्ड थे कि सिवाय अल्लाह के उन्होंने कभी किसी को नहीं पुकारा और सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने अमल किया। और अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहे वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो तो शिर्क करने वालों में से नहीं थे। किस बेस पे अहले मक्का इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अपनी नस्बत जोड़ते थे बताइए ज़रा, वो तो दुनिया भर का शिर्क करते थे अहले मक्का जो थे, मुशरिकाने मक्का तो बहुत शिर्क करते थे, और अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से जोड़ते थे। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये कैसी नस्बत तुम जोड़ रहे हो, मेरे इब्राहिम तो बहुत हनीफ थे और वो मुशरिकों में से नहीं थे। कितना खूबसूरत जुमला लगता है ये कि अल्लाह ताला किसी के मुशरिक ना होने की गवाही खुद दे, कितना खूबसूरत लगता है। दुआ किया करो ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल जो अल्लाह ताला अंबियाओं को और रसूलों को देते हैं कि अल्लाह ताला तू भी मुझे शिर्क से बचा ले, क्योंकि जिसे तू बचा लेगा ना वो कभी भी भटक नहीं सकता है, कभी भी नहीं।
इंशाल्लाह। दूसरा एतराजात, दो एतराजात में से दूसरा एराज क्या, एतराजात क्या थे उनके दूसरे, इन अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास अल्लज़ी बिबक्का, बेशक पहला घर तो जो मुकर्रर किया गया ना इंसानों के लिए, किस बेस पे, इबादत के बेस पे, द पॉइंट ऑफ द इबादत कहाँ है वो, क्या है वो, लल्लज़ी यकीनन वो बक्का है में है, बक्का इज अ नेम ऑफ द मक्का, और ये पहले जो है वो मक्का का नाम जो था वो बक्का था। अल्लाह ताला बोल रहे वो जगह कैसी है, नंबर वन इंतहाई मुबारक वाली है, और नंबर टू हुदल लिल आलमीन, देखिए यहाँ पर हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं लिखा हुआ है, और आपको पता है कि बक्का का लिटरेट मीनिंग क्या होता है, तोड़ना, तोड़ना, तो यहाँ पर जो है मक्का का नाम बक्का क्यों लिया गया है, इसलिए कि जब इंसान वहां जाता है ना अल्लाह के घर के पास, यकीन करिए अंदर से उसकी अना टूट जाती है, जो अपने आप को बहुत बड़ा जानता है ना, मैं बड़ा, चाहे वो किसी भी लिहाज से अपने आप को बहुत बड़ा जानता है, सारी अना वहां जाके उसकी टूट जाती है, सारी हैकड़ी निकल जाती है वहां जाके, जब वो अल्लाह की इतनी इतनी निशानियों को वहां देखता है, अल्लाह की बड़ाई को महसूस करता है, अपने आप को बिल्कुल वहां जाकर बेबस कि अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, ये फीलिंग आती है वहां जाके, इसलिए उसका नाम जो है वो बक्का रखा गया है, तोड़ देता है अंदर से बंदे को बिल्कुल एकदम, तोड़ देता है अंदर से उसकी अना को तोड़ देता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए वो हिदायत का मरकज है, पॉइंट ऑफ द हिदायत पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अतः बोल रहे हैं कि और क्या है, फी ही आया तुम बय्यिनात, उसमें निशानियां हैं, और ऐसी छुपी ढकी निशानियां नहीं है, बल्कि वाजे वाजे निशानियां हैं जो नजर आती हैं, उसमें से अल्लाह ताला ने कुछ जो है निशानियों का तज़करा किया है यहाँ पर आयत नंबर 97 में, मकाम इब्राहिम है वहां पर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इन नज़रों से मकाम इब्राहिम का दीदार करवाया, उसका एहसान है कि, और देखिए कि मकाम इब्राहिम को देखकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो नक़ूश अल्लाह ताला ने उनके पैर के नक़ूश को जो महफूज रखा है, उसको देखकर अगर आपका दिल न भरे, उसको देखकर अगर आपकी आंखें नम न हो जाएं, तो यकीन करिए आपके दिल में अल्लाह और उसके दीन के लिए कोई दर्द नहीं है। दिल की नरमी इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि वाकई आपके दिल में दीन के लिए बहुत हमदर्दी है, बहुत दर्द है आपके अंदर। अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला मरने से पहले एक दफ़ा तो अपने घर का दीदार करवा दे, उन तमाम चीज़ों का दीदार करवा दे जिसका तस्करा अल्लाह ताला ने जो अपनी किताब में किया है, अल्लाह का एहसान है। देखिए पहले भी ऐसा था ना कि तड़प तो अल्लाह का शुक्र है सबको रहती, हम में से सभी को है, जो नहीं गए रहते उनको कम रहती है, आई थिंक सो कि मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, जो जाके आ जाते हैं उनको और एक ज़्यादा और तड़प बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे देखिए कि फिर उसके बाद इतनी सारी निशानियाँ अल्लाह ताला ने वहाँ रखी है, लेकिन हाँ ये मैं बता रही थी कि पहले भी तो ख्वाहिशात थी, लेकिन ना मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अल्लाह ताला की ये मर्ज़ी थी कि मैं उसके कलाम को समझने के बाद जाऊँ, ताकि एक एक चीज़ को मैं महसूस कर सकूँ, क्योंकि जाके आ जाना बड़ी बात नहीं है, वहाँ जाके आ जाना और उसके बाद अल्लाह की बड़ाई का एहसास करना, वो चीज़ें जो अल्लाह ने अपने कलाम में जिक्र किया है वो उसको अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखना, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजल और एहसान होता है, अल्लाह का शुक्र है। आप में से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जाके आ चुके होंगे, लेकिन अल्लाह के कलाम को समझने के बाद जब आप जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को महसूस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद और क्या है वहाँ पर, और मकामी इब्राहिम है, और एक बहुत बड़ी निशानी, एक बहुत बड़ा मौजज़ा अल्लाह का, वमन दखलहु कान आमिना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो जो जा कर आया है ना वही इस चीज़ को महसूस कर सकता है कि जो भी वहाँ पर दाखिल हो जाता है, देखिए जो भी शख्स वो पा जाता है अमन को, बिल्कुल अमन पीस में आ जाता है, और बहुत बड़ी हकीकत है इस चीज़ में, कोई फिक्र ही नहीं होती इंसान को, कोई फिक्र नहीं, ये मौजज़ा वाकई अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा मौजज़ा है कि वहाँ जाने के बाद ना उसको अपने कारोबार की फिक्र होती है,
ना उसको अपने फैमिली वालों की फिक्र होती है, ना उस जिसको छोड़ कर आया होता है ना उसकी फिक्र होती है, किसी की फिक्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ वो बंदा अपने आप को और अपने रब को याद रखता है, बस मैं और मेरा रब, कोई नहीं चाहिए मुझे, किसी का इंटरफेयर चाहिए ही नहीं मुझे बिल्कुल। चलिए, कुछ चीजों का यहाँ पे तस्करा नहीं किया गया है, तो आप लोग जो है वो मुझे अनम्यूट करके बताइए और क्या क्या निशानियां हैं वहां पर, बताइए और क्या क्या निशानियां हैं, बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अल्लाह ने तस्करा कर दिया है, और क्या चीजें हैं वहां पर जो वाकई वाजे चीजें हैं, दिखती है हमें वहां पर, शायद आपको बात समझ नहीं आई, वो चीजें जो वहां पर है और पूरी दुनिया में। सफा मरवा, सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में, सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ, मेरी आवाज आ रही? हाँ, रुबाना बोलो। सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। वेरी गुड, माशाल्लाह। और कोई दूसरा कुछ बताएगा? अजरस्वत, माशाल्लाह, जजाकिल्लाह, बारिकिल्लाह फी। और बताइए। जमजम, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। और बताइए। मकाम इब्राहिम, तो अल्लाह ताला ने तस्करा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जब तक हम गौर और फिक्र नहीं करेंगे ना, और इंशाल्लाह जो है वो कल से आगे की जो आयतें आप पढ़ कर रखेंगी। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, फलों का रिस्क भी हर मौसम में है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक दुआ का नतीजा जो हमें वहाँ नजर आता है कि वहाँ पे बहुत सारी खजूर के अलावा ऐसी कोई खेती नहीं होती वहाँ पर, लेकिन आप यकीन करिए किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि अल्लाह ताला फलों के जरिए रिस्क दे उनको, वहाँ के मेरी औलाद को। तो इतना प्योर और इतना खालिस वहाँ पे जो चीजें मिलती है ना, दुनिया में शायद ही कहीं और मिलता होगा। इतना फ्रेश, इतना प्योर, और दिखने में भी खूबसूरत, खाने में भी खूबसूरत, और इतना टेस्टी जो होता है वो, तो वो एक बहुत बड़ी निशानी है वहाँ की। और मजीद मैं आपको हाँ ये बता रही थी, अल्लाहु अकबर, कि वहाँ पर जो दाखिल हो जाता है तो अल्लाह ताला के अमन और उसमें चला जाता है। हाँ, मैं आपको ये कह रही थी कि कल से आगे की जो आयतें आप पढ़ के रखेंगी, और आपने उस आयत पे कुछ गौर फिक्र किया है नहीं किया, इस तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आपको किसी कहीं से भी जो स्टडी करना है आप करिए, आगे की चंद आयतें जो होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहीं तक रखते हैं आयत नंबर, और आगे एक दो बातें हैं हज और इसके ताल्लुक से, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम लेते हैं इंशाल्लाह उसको। अव्वल मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर, और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अव्वल मैं तुझसे नफे बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अव्वल मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। आमीन। अब्बा मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर में वुसअत फरमा, और मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा। अब्बा मुझ पर मेरे बुढ़ापे के करीब और मेरे उम्र के खात्मे तक अपना रिज्क कुशादा कर रखना। अब्बा मेरी किफ़ायत को अपने हलाल के साथ अपने हराम से बचा, और मुझे अपने फजल से अपने सिवा हर किसी से बेनियाज कर दे। आमीन या रब्बी। अल्लाह जो रिस्क तूने मुझे अता किया है
उसमें मुझे इनायत और बरकत अता करना और मुझे हर गायब होने वाली चीज का बदला भलाई के साथ अता करना। आमीन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, कोई काम आसान नहीं मगर जिसे तू आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। ए अल्लाह, इन दुआओं के साथ मैं तुझसे दुआ करती हूँ कि तेरी किताब को समझना हम पर आसान कर दे, तेरी किताब को समझकर उस पर अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। इंशाअल्लाह, आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानल्लाहि व बिहमदिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.